बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारे साथ रहिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म करें, इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्ची और इसको हम करेंगे फ्राई, क्रिस्पी टाइप की हो जाएगी। ये देखिए फ्राई हो चुकी है और ये बहुत क्रिस्पी हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम इसको कोट लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसी में ही डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा। इन दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का लाइट ब्राउन हो जाए ज़ीरा और लहसुन। इसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। ये देखेंगे तो लाइट ब्राउन हो गया ज़ीरा और लहसुन। ये हमने 1 किलो आलू काट के रखे हैं स्लाइसेस काट के। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब इसको सही से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये 2-3 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये कम से कम 1/2 किलो जितने टमाटर हैं और 4 से 5 अदरक हरी मिर्ची हैं छोटी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। वन टी स्पून कुटी हुई मिर्च, चुटकी हल्दी, नमक हल्दी वगैरह जितना आप लेते हैं, और ये फ्राई हुई साबुत लाल मिर्च जो हमने फ्राई करके निकाली थी इसको कोट लिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, बस क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा तो इसी में गल जाएंगे आलू। अब हम इसको कवर कर लेते हैं, आलू गलने तक हम इसको पकाते हैं। आलू हमारे गल चुके हैं, हल्की सी कसर है। अब हम इसको फिर से कवर करके छोड़ देते हैं। ये हमारा तेल जब तक तेल छोड़ दी, इसके बाद हमारी आलू की कलियाँ रेडी हैं। देखें आलू की कलियाँ बिल्कुल रेडी हैं, टमाटर का पानी भी खुशक हो चुका है और हमारा तेल भी ऊपर आ चुका है। हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे। ये हमारे आलू की कतलियाँ रेडी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चटपटी का आलू की कतलियाँ ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।